नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं रतनेश सोनी। सिंहस्थ में उल्लेखनीय कार्य करने वाले होमगार्ड जवानों को सेवा से अलग कर दिया गया है। होमगार्ड के इन जवानों को 19 करोड़ रुपए खर्च कर ट्रेंड किया गया था। सेवा से हटाए जाने के बाद इन होमगार्ड जवानों ने उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर अनशन शुरू कर दिया है। इनमें से दो जवानों को हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिंहस्थ के दौरान होमगार्ड के रूप में भर्ती किए गए 2531 सैनिकों को सेवा से अलग करने के विरोध में बेरोजगार हुए सैनिकों ने शिप्रा नदी के सुनहरी घाट पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। इनमें से दो पूर्व सैनिकों की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। सैनिकों की मांग है कि होमगार्ड के रिक्त पदों पर उन्हें नियमित रूप से नियुक्त किया जाए। हालत बिगड़ने पर इन जवानों को एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भेज दिया गया है। इस हड़ताल में प्रदेश भर के होमगार्ड जवान आ रहे हैं। हड़ताली जवानों से चर्चा के लिए होमगार्ड कमांडेंट सुमत जैन प्रदर्शन स्थल पर आए। उन्होंने कहा कि सेवा में भर्ती के समय ही ये शर्त तय थी, इन्हें दोबारा रखने का प्रस्ताव भेजा गया है। देखिए, सिंहस्थ में इन्होंने बहुत ही अच्छी सेवाएं दी थी और उस समय से ही ये कवायद चल रही है इन लोगों की कि हमको जो है जो होमगार्ड जवान जैसे काम करता है उसी तरीके से इनको भी एक परमानेंट फोर्स के रूप में होमगार्ड जवान के रूप में विभाग में ले लिया जाए। यद्यपि स्पष्ट रूप से ये इनके विज्ञापन में उल्लेख था कि 4 माह स्थायी रूप से इनको नामांकित किया जाए, पर सेवाओं की उत्कृष्टता के नज़रिए से इन्होंने ये मांग रखी कि इनको रिक्त पदों पर, विभाग के रिक्त पदों पर इनको ले लिया जाए। इनकी मांग को जो है, इनकी बातों को सुन लिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को हम इससे अवगत करा देंगे। होमगार्ड जवानों को शासन ने अप्रैल 2015 में सिंहस्थ सेवा हेतु सैनिकों की सभी दक्षताओं के मापदंड पूरे करने के बाद नियुक्त किया था। इसके बाद बेसिक प्रशिक्षण और रिफ्रेशर कोर्स करवाने के बाद सैनिक के रूप में भर्ती की गई थी। सिंहस्थ के दौरान सभी ने सैनिकों के रूप में सेवाएं दी थी, लेकिन सिंहस्थ के बाद शासन ने सैनिकों की सेवाएं समाप्त कर जवानों को बेरोजगार कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके प्रशिक्षण पर 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे जो बेकार जा रहे हैं। 2700 जवान है, ऑल एमपी से लड़के आ चुके हैं यहाँ पर और अभी तक अनुशासन में रहकर काम करते आए हैं। सभी को अपनी बातें रखते आए, मंत्रियों, सीएम साहब सबसे अपनी बात रखी, सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिल रहा है। और लड़के इतने हताश हो चुके हैं कि यहाँ पर भूख हड़ताल के अलावा और कुछ इनके पास चारा नहीं रह गया था। आज यहाँ पर 16 लड़के बैठ चुके हैं, अन्य अन्य जिलों से सैकड़ों लड़के आ रहे हैं और भी, और भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ये सब चाह रहे हैं कि लिखित में आदेश दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे लोग, हम लोग ट्रेनिंग शुदा लड़के हैं, ट्रेनिंग कर ही भर्ती हुए थे। प्रदर्शनकारी होमगार्ड जवान के रूप में नियमित नियुक्ति की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने लिखित आदेश मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। उज्जैन से न्यूज आज के लिए राहुल यादव की रिपोर्ट। न्यूज आज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज आज।